बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिज़वान। तो वर्ल्ड करंट अफेयर्स हम अगस्त के जो है 2022 के डिस्कस कर लेते हैं, और ये हमारी 24वीं एपिसोड। अगर आप प्रीवियस एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन आप कर सकते हैं हमारा। करंट हिजरी ईयर कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। इस तरह एक और क्वेश्चन बन जाता है कि गोल्ड कॉइन किस कंट्री ने स्टार्ट किया था कि वो इन्फ्लेशन से यानी महंगाई से छुटकारा हासिल कर सकें। इसके साथ एक और क्वेश्चन कि किस कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी हुई हैं उसमें किस कंट्री ने गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा हासिल किए हैं। इसी तरह आपसे फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट अभी अगस्त में आई है रिसेंटली, तो उसमें किस कंपनी ने इस वक्त टॉप किया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट की हाउस स्पीकर हैं, उन्होंने अभी विज़िट किया है ताइवान का और बहुत मशहूर ये दौरा था, तो उनका नाम क्या है। इसी तरह सेरेना विलियम्स जो हैं वो रिटायर्ड हो चुकी हैं टेनिस से, इनका ताल्लुक किस मुल्क से था, टेनिस की प्लेयर हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो क्वेश्चन आप खुद ही बना लीजिएगा और उसको अच्छे से याद करें जी। तो सबसे पहले हमारे पास है मिखेल गोर्केब्रीव, ये शख्स हैं, ये लास्ट लीडर थे सोवियत यूनियन के, और इनके भी रिसेंटली डेथ हो गई है, और इन्होंने कोल्ड वार को एंड करने के लिए बहुत ज़्यादा इकदाम किए थे, रिफॉर्म्स की थी, तो इस लिहाज से ये बड़े मशहूर हैं। 91 ईयर की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस मुल्क के थे। इसके बाद 9 मंथ हो चुके हैं ऑलमोस्ट इराक़ के अंदर इलेक्शन हुए हैं अक्टूबर 2021 में, और उसके जो पार्लिमानी इलेक्शंस के बाद जो हुकूमत बनानी होती है वो अभी तक हुकूमत नहीं बन चुकी, और इसके में जो कुछ सपोर्टर्स थे जो लीडर हैं मुक्तदा अल सदर उनके लीडर्स थे, उन्होंने दावा भी बोल दिया था पार्लियामेंट के ऊपर, और इस तरह करके ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो हड़ाहुड़ी मची हुई है यहाँ पर। तो ये पार्लियामेंटली ब्लॉक जो है उसको अल सदर ने कहा है कि रिज़ाइन कर दें, क्योंकि अब जो है वो दोबारा इलेक्शन कराने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अभी इस तरह से नहीं बन पा रही। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से के ये नाम है इनका नैन्सी पेलोसी, ये जो है यूनाइटेड स्टेट की हाउस स्पीकर है, इन्होंने रिसेंटली अभी ताइवान का दौरा किया है और वहाँ पर यूएस नेवी वारशिप्स भी दिखाई दिए हैं स्ट्रेट्स में चलते हुए, तो इस लिहाज से ये बड़ा है कि एक टेंशन बन चुकी है ताइवान और मेन लैंड चाइना के बीच में, और ताइवान क्या है इसका कैसे इसकी वर्किंग होती है वो भी आपके साथ अभी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। साउथ कोरिया के अंदर सबसे लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट इस बार भी रिकॉर्ड किया गया, लास्ट टाइम भी यही सबसे लोवेस्ट था, यानी कि पूरी ज़िंदगी के अंदर जो साउथ कोरिया की औरतें हैं वो 0.8 चिल्ड्रन जो हैं वो पैदा करती हैं, यानी कि 1 से भी कम जो है वो एवरेज है। ये इस पिछली ये साल थी और इस साल जो है वो 0.81 है, उससे भी आगे मतलब लोवेस्ट वैल्यू आई है। तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट साउथ कोरिया के अंदर है अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट्स। एल्स्टॉर्म जो है ये फ्रेंच कंपनी है, ये ट्रेन्स वगैरह बनाती है, और इसने अभी जो है ये हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन जो कि ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी की बेस पर वर्किंग करती है वो बनाई है। ठीक है, और ये जर्मनी बना रही है, और इस ट्रेन की कंपनी का जो नाम है वो इम्पॉर्टेंट है, एल्स्टॉर्म। ठीक है, इसके बाद माली एक मुल्क है जी, वहाँ पर मिलिट्री ने अपॉइंट कर दिया है कर्नल अब्दुल्लेगे माइगा को एज़ आ इंटरनम प्राइम मिनिस्टर, आप इसको ये कह सकते हैं कि अबूरी वज़ीर आज़म बनाया है। आफ्टर द कंट्री सिविलन पीएम चोगल कोकला मैगा जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, तो उसकी जगह अब ये प्राइम मिनिस्टर नए बन गए हैं। ठीक है, और ये जो मिलिट्री के लीडर हैं जनता लीडर कर्नल असीमी गोयटा, इन्होंने अपने आप को ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट बनाया था मई 2021 में, जब जो ये फौजी जो है वो उधर वहाँ पर क़यादत ने कब्ज़ा किया था, तो उस टाइम वो प्रेसिडेंट बने थे, अब उन्होंने मिलिट्री ही के बंदे को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, क्योंकि जो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर थे वो अब एडमिट हो चुके हैं हस्पताल में। इस तरह ये कुछ ये इंफॉर्मेशन है कि माली का जो कैपिटल है वो है बमाको, और माली की करेंसी का नाम है फ्रैंक। ठीक है, इंडिया जो है वो इस बार G20 होस्ट करेगा, कब, दिसंबर 30 नवंबर से दिसंबर तक। ठीक है, यकम दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, ठीक है, अगले साल तक, यानी पूरा साल जो होस्टिंग होगी वो इंडिया के पास होगी, और G20 सेक्रेटरी ने ये अपने जितने भी इदारात हैं ये वहाँ उसको सौंप देगा। G20 बेसिकली कितने कंट्रीज़ हैं, इसके अंदर 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है इदारा। ठीक है, तो इस तरह ये 20 बन जाती हैं, इसलिए से G20
सिक्योरिटी कहते हैं, इनका जो टोटल ग्लोबल जीडीपी है वो 90% है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें अहमियत का मिला कि 90% जो पूरी दुनिया का ग्लोबल जीडीपी है वो इन 20 कंट्रीज़ का है। इसके बाद 80% इनके इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेड है, 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इसी 20 मुल्कों की है, 84% जो फॉसिल फ्यूल है वो भी इसी यही कंट्री जो है वो पैदा कर रहा है, तो इसलिए आज से ये बहुत बड़ा ब्लॉक है G20। और ये सारी की सारी कहानी जो है स्टार्ट हुई थी 1999 में, और इसमें जो है मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी, उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ मीटिंग्स होती रहीं। फिर फाइनेंशियल क्राइसिस को डील करने के लिए 2008 के अंदर ये G20 का जो है ये बना, और इस तरह पहली बार 2008 के अंदर वाशिंगटन DC के अंदर G20 लीडर्स का जो है वो इजलास भी हुआ और वहाँ पर ये एक ब्लॉक बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी है, उसके रीजन ये है कि इनका काम क्या है, ये रिस्टोरिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, रिफॉर्मिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इनके जो मेंबर्स हैं उसके अंदर ये लिस्ट है, ये पढ़ लें, आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट इट। ठीक है, तो ये 19 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट ने जो है वो हेलो हाई की है, किस लिए, ताकि समर मैरीटाइम जो एक्सरसाइजेज हैं उसका, और उसका नाम क्या रखा है जी, उल्ची फ्रीडम शील्ड, ये उसका नाम रखा है। ठीक है, ब्रिटेन्स की इकॉनमी जो है वो अगेन एक दफ़ा बहुत ज़्यादा जो है वो श्रिंक कर गई है, और इसके अंदर 11% जो है वो 2022 में थी और अब जो है वो 9.9% तक पहुंच गई है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव लैंडिंग्स, 13 प्रोस्पेक्टिव लैंडिंग्स हैं, ये एक नासा की सैटेलाइट है, मिशन में भेजा जाता है मून के ऊपर, तो 13 जगहों पर ये लोकेट करेगी, इसका नाम क्या है, Artemis 3 मिशन। ठीक है, ये इसका नाम है। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ म्यांमार जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब काम कर रही है, इसके ऊपर भी आज मैं थोड़ी सी बात करूँगा म्यांमार के ऊपर, और ये वहाँ के जो मुसलमान हैं रोहिंग्या के, उनका क्या रोल है और वो कहाँ से आए थे और बेसिकली ये क्या रोला है सारा। तो ये बताया जा रहा है कि 1970s में जो मुस्लिम रोहिंग्या आए थे उधर, बुद्धिस्ट की जो डोमिनेंट पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है और मुसलमानों के हकूक वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़त्म किए जा रहे हैं। मुसलमान वहाँ के जो रोहिंग्या के मुसलमान हैं वो मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, बांग्लादेश की तरफ, और सी क्रॉस करके इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड तक ये लोग जा रहे हैं। रोहिंग्या बेसिकली एक एथनिक मुस्लिम ग्रुप है जिसका ताल्लुक जो है वो सुन्नी इस्लाम के साथ है, 3.5 मिलियन ये लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और ये अगस्त 2017 के मुताबिक राखीनी स्टेट है ये बर्मा के यानी म्यांमार के अंदर, और वहाँ पर ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी उसको एथिकली जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है और इसको रिलीजियसली जो है वो टारगेट किया जा रहा है। और ये आए कहाँ से थे, ये कहते हैं कि अराकान किंगडम जो है वो बहुत सालों पहले जो है वो थी, तो वहाँ से ये आए थे। इसी तरह कॉलोनियल रूल जब ब्रिटिश का राज स्टार्ट हुआ उस टाइम भी बहुत सारे मुसलमानों ने वहाँ पर हिजरत की, और इस लिहाज से ये जो है वो रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं वहाँ पर क़याम पज़ीर हुए, वहाँ पर जाकर सुकूनत की उन्होंने। ठीक है, और बर्मा जो है वो उसने आज़ादी कब हासिल की थी, 1948 में, इसका पुराना नाम बर्मा था, अब म्यांमार नाम है, म्यांमार नाम इसका 1989 में जो है वो चेंज हुआ, और वहाँ पर 135 ऑफिशियल एथनिक ग्रुप्स हैं जिसमें से एक वन ऑफ देम इज़ रोहिंग्या के मुसलमान। ठीक है, तो ये सारी इसकी मैंने थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है साबिक, उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, और इनकी जो है वो ऑटोबायोग्राफी की बुक आ रही है जिसका नाम है बी माई स्टोरी। ठीक है, और ये 22 नवंबर को पब्लिश हो जाएगी। लोकल गवर्नमेंट स्कॉटलैंड ने ये कहा है कि जो औरतें होती हैं उनको हम फ्री सैनिटरी पैड्स देंगे ताकि उनकी जो हेल्थ जो है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। इसके ऊपर पीरियड्स प्रोडक्ट्स एक्ट जो है वो हुआ है पास, और उसमें ये काउंसिल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इसको फैलाने में मदद करेंगे, और पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री प्रोविजन स्कॉटलैंड बिल जो है ये 2020 में पास हुआ था, उसके बाद ये अब दूसरा एक्ट जो है पीरियड प्रोडक्ट्स एक्ट जो है ये भी पास हुआ है। तो इसमें ये जो मशहूर नाम है वो मोनिका लेनन है जो कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम कर रही है, मोनिका लेनन। ठीक है, कीनिया के डिप्टी प्रेसिडेंट विलियम रूटो जो है वो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं, पहले डिप्टी प्रेसिडेंट थे अब प्रेसिडेंट बन गए हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन हुआ है, और हारे कौन है, राइला ओडिंगा, तो विलियम रूटो नाम याद रखिएगा, ये कीनिया के न्यू प्रेसिडेंट हैं।
मैक्सिकन प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है एंड्रेज मैनुअल लेपोज ओब्राडोर। इन्होंने ये कहा है कि अगर ये जो एक टेंशन बनी हुई है यूक्रेन की और पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी ये टेंशन है इसको ख़त्म किया जा सकता है। कैसे? इसके अंदर तीन लोग बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। एक में उसने पॉप फ्रांसिस का नाम लिया है, दूसरा यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का नाम दिया है, और तीसरे मोदी साहब का नाम ले लिया है। क्या बात है इसकी, ठीक है कि ये लोग हेल्प कर सकते हैं वार स्टॉप करने के लिए। अर्जेंटीना के एक ऑफिसर हैं, नेवी ऑफिसर, उनका नाम है एडमिरल गुलमेरो पैब्लो रियास। ये UNMOGIP के जो हेड हैं वो तैनात कर दिए गए। ये बेसिकली इदारा है जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो नेवी के इस साइड पे जो चीज़ें होती हैं उसको ये ऑब्ज़र्व करता है, ठीक है। और ये यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटेरेस हैं उन्होंने इसको ये बनाया है। एडमिरल नाम इसका देख लीजिएगा, एडमिरल गुलमेरो पाब्लो रियास, ठीक है, ये याद रखिएगा इसमें। नेक्स्ट ये है कि रशियन रॉकेट है उसको लॉन्च किया है किसने, रशियन रॉकेट ने लॉन्च किया है ईरान के सैटेलाइट को कजाकिस्तान से, ठीक है। तीन कंट्रीज़ हो गए, रशिया का रॉकेट है उसने लॉन्च किया है ईरान की सैटेलाइट को, और कहाँ से लॉन्च किया है, कजाकिस्तान से। तो ये जितने भी रशियन अपनी चीज़ें जो है ना लॉन्च करता है ये बेसिकली कजाकिस्तान में इनका जो है ना हेडक्वार्टर है इनका, तो वहाँ से ये करता है। उसका नाम ये बैकोनोर लॉन्च फैसिलिटी है, वहाँ से ये करता है। रॉकेट का नाम सोयूज़ है और सैटेलाइट जो ईरान ने किया ये इंपॉर्टेंट है, खयाम नाम है इसका, ठीक है, जो रशिया की मदद से ईरान ने जो है वो भेजी है। और ये खयाम जो है ये उमर खयाम ही के नाम पे है जो कि फारसी के बहुत बड़े साइंसदान यानी पर्शिया के बहुत बड़े साइंसदान गुजरे हैं, ठीक है, फारस के, और 11th और 12th सेंचुरी में थे। इसके अलावा शैनडोंग और हैनन ये दो प्रोविंस हैं, यहाँ पर एक नया हैनीपी वायरस जो है वो डिस्कवर हो रहा है और उसका नाम है लैंगिया हैनीपा वायरस, ठीक है, ये नाम भी याद कर लीजिएगा। पापुआ न्यूगिना एक मुल्क है, उसके जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है जेम्स मरापे, ये इनका नाम है, ठीक है। और ये इलेक्शन हुए थे 4 जुलाई से 22 जुलाई तक। गुस्तावो पेट्रो ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, किसके, कोलंबिया के, ठीक है, कोलंबिया, वही पाब्लो एस्कोबार वाला कोलंबिया, ठीक है। और ये 62 ईयर्स ओल्ड जो हैं ये इनकी उम्र है, और ये M19 गोरिल्ला ग्रुप के भी रह चुके हैं, फॉर्मर सेनेटर भी रह चुके हैं और बोगोटा के मेयर भी रह चुके हैं। बोगोटा इज़ अ सिटी ऑफ कोलंबिया, ठीक है। एशियान मेंबर्स हैं ने जो है अपनी जो 55th एनिवर्सरी है वो मनाई है, और ये कब थी इनकी नहीं मेंशन यहाँ पे, चलो मैं लिख देता हूँ, 8 अगस्त थी, ठीक है, 8 अगस्त ये मेंशन है यहाँ पे। तो 8 अगस्त को जो है वो एशियान ने अपनी एनिवर्सरी मनाई है, और उसमें जो इनके कंट्रीज़ हैं उन सब कंट्रीज़ ने इसको सेलिब्रेट किया है। अपने बिलावल भुट्टो साहब का भी दौरा हुआ था वहाँ पर। तो एशियान बेसिकली बने कब थे, 1967 8 अगस्त, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 8 अगस्त, तो 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में ये कंट्रीज की ये बना था ब्लॉक। और इसका जो मोटो है वो है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, ठीक है। और इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो जकार्ता, इंडोनेशिया का शहर जकार्ता के अंदर है, जकार्ता, ठीक है। अगेन वही नैन्सी पेलोसी जो है उन्होंने विजिट किया है ताइवान का, और वो स्पीकर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हाउस हैं। और इसके ऊपर जो चाइना है उन्होंने बड़ी मिलिट्री ड्रिल्स जो हैं वो स्टार्ट कर दी हैं ताकि जो ताइवान है उसको घेरा जा सके, और ये बड़ी टेंशन भी बन रही है। जो दो नए कंट्रीज़ हैं जो नेटो की मेम्बरशिप के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उसमें एक स्वीडन है और एक फिनलैंड है। तो इसकी रजामंदी के लिए, इसके अप्रूव के लिए जो सेनेट है यूनाइटेड स्टेट का, उसके 95 सेनेटर्स ने है कि ठीक है आप हम दो इन दो कंट्रीज़ को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और ये डिसीजन लिया गया। इसी तरह फ्रांस की नेशनल असेंबलीज हैं, वहाँ पर 2009 डिप्टीज ने कहा है कि ठीक है हम एडमिशन कर देते हैं इसका, स्वीडन और फ्रांस का, यानी दो पार्लियामेंट्स ने अप्रूव कर दिया है, एक यूनाइटेड स्टेट की जो US सेनेट है, ठीक है, और एक फ्रेंच पार्लियामेंट जो है उसने भी अप्रूव कर दिया। और ये आहिस्ता आहिस्ता अप्रूव होता जाएगा, बाकी कंट्रीज़ भी करेंगे, और इस तरह ये नेटो का हिस्सा बन जाएगा। कौन से दो कंट्रीज़, स्वीडन और फिनलैंड। नेटो के जो चेयरमैन है उनका नाम है जेंस स्टॉल्टनबर्ग, ठीक है, और जो इस टाइम नेटो के मेंबर्स हैं ये उसकी लिस्ट है, स्क्रीनशॉट ले लें फारूक में, इसको याद कर लीजिएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये गिवन है।
ताइवान का अभी जो बार बार रोला मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, इसके बारे में हल्का फुल्का से देख लेंगे। ताइवान है क्या बेसिकली? ताइवान के दूसरा नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये बेसिकली आइलैंड है जो कि ताइवान स्ट्रेट के ऊपर है। ये जो आपको नज़र आ रही है बेसिकली ताइवान स्ट्रेट है, और यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इलाका, ये आइलैंड, ये बेसिकली कौन सा इलाका है? ताइवान है, ठीक है। और ये दूसरा जो है ये मेनलैंड चाइना है। तो इस ताइवान को एक और नाम दिया गया है, रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं, ROC, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये जो होता है ये PRC होता है, इसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट चाइना का नाम है और ताइवान का दूसरा नाम ROC है। तो 1949 के अंदर से इन्होंने अपने आप को जो है वो अलहदा से, यानी इनकी बात करो, ताइवान ने अपने आप को अलहदा से जो है वो रूल करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके ऊपर जो मेनलैंड चाइना है उसने काफ़ी भ्रमी भी दिखाई हुई है, और वो यही है क्या उसको अपना हमेशा यही समझता है कि ये मेरे हमारे साथ ही हैं, ठीक है। बट वो एज़ ए डिफरेंट काम कर रहा है। तो अब अमेरिका चाइना से चाहे क्योंकि उसकी थोड़ी लगती है, तो वो चाहता है कि थोड़ा सा अपना सेपरेट यहाँ पर ताइवान के अंदर भी अपना असर रसूख रखे, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ने जो है वो अडॉप्ट कर लिया रेजोल्यूशन, और इसमें जो रेजोल्यूशन है उसमें ये कहा है कि हर एक का हक है कि वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रह चुके हैं। तो ह्यूमन राइट्स के अंदर एक राइट्स का इजाफा आप समझ लें कि हो चुका है, कि वो ये है कि हेल्दी इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है, ये इस लिहाज से है। जिम्बाब्वे जो है इसने गोल्ड क्वाइन जो है वो स्टार्ट कर लिया है, ताकि इन्फ्लेमेशन से जो है वो बचा जा सके। इनके बैंक का नाम है रिज़र्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे, और इस क्वाइन का नाम है मूसियोटोनिया, ठीक है, जिसका मतलब क्या है? विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है। विक्टोरिया फॉल्स आपको पता है कि एक आबशार है, ठीक है। और ये टोंगा जबान का लफ्ज़ है, मूसियोटोनिया, ठीक है। और मेन मकसद क्या है कि इसका जो है लड़ा जा सके। इसकी उस वक्त कीमत जो थी, मतलब जब ये लॉन्च हुआ है, तो $1824 थी, ठीक है जी। अगर आप बरवक्त हमारे से देखना चाहते हैं करंट अफेयर्स, तो आप लर्निंग विद रिजवान इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। 2022 का जो एशिया कप है वो 15th एशिया कप का एडिशन है, और इसको पाकिस्तान ने 2 दफ़ा जीता हुआ है, ठीक है, और इंडिया ने 7 दफ़ा जीता हुआ है, और श्रीलंका ने इसको 6 टाइम्स जीता हुआ है। और ये इस बार जो है ये श्रीलंका में होना था, इसके होस्ट जो हैं वो ऑफिशियली अभी भी श्रीलंका ही था, और बट ये हुआ कहाँ पे है? यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है, और इसका फॉर्मेट इस बार T20 बेस्ड था, और इसका विनर जो है वो श्रीलंका है, और रनर अप कौन थे? पाकिस्तान था। तो ये कुछ आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जर्मन चांसलर है एंजेला मर्कल, मतलब साबिक जर्मन चांसलर है एंजेला मर्कल, उनको 2022 यूनेस्को पीस प्राइज़ दिया गया है, ताकि क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज़ जो सीरिया, इराक, अफगानिस्तान वगैरह से आए थे उनको बहुत ज़्यादा वेलकम किया था। बांग्लादेश इज़ सेट टू इम्पोर्ट, तकरीबन बांग्लादेश जो है वो 5 लाख, ठीक है, 5 लाख टन जो है वो वीट जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है, किससे? रशिया से, ठीक है। तो तालिबान के एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर, और एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर का नाम है मुल्ला मोहम्मद याकूब, ठीक है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर कि उन्होंने अमेरिकन ड्रोन जो हैं वो उनको जो है वो एयर फ्राम की है, ठीक है, और उसकी वजह से काबुल के अंदर अमेरिका जो है वो US ड्रोन्स लेकर हमले कर रहा है। ब्रिटिश बेल्जियन टीनएजर हैं, ठीक है, इन्होंने 24 अगस्त 2022 में अकेले ट्रैवल करने का, पूरी दुनिया में एक अकेले जहाज़ के ऊपर ट्रैवल करने का, फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड का जो है वो रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले जो है वो इसी की सिस्टर थी, उनका नाम था ज़ारा, जो कि यंगेस्ट वुमन एवर हैं अभी भी, इसी लिहाज से उन्होंने इसका रिकॉर्ड किया था, ठीक है। उनकी उम्र उस वक्त 19 साल में उन्होंने किया था, और इन भाई ने जो है वो एज यहाँ पर 17 ईयर, ठीक है, 17 साल के अंदर इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, 17 ईयर्स की एज में। तो ये यंगेस्ट ऐसे बंदे हैं जिन्होंने, टीनेजर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का दौरा किया है, ठीक है, सोलो किया है, ठीक है।
अच्छा मलेशिया के जो अदालत है उसने जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नजीब रजाक, उनको जो है वो जेल सुना दी गई है, ठीक है, और उनके ऊपर कोई करप्शन वगैरह का स्कैंडल था। फिनिश यानी फिनलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है सना मैरिन, उनके ऊपर कुछ ये इल्ज़ाम लग रहे थे कि वो ड्रग्स लेती हैं, वो ड्रग्स एडिक्ट हैं, तो उनकी कोई वायरल हुई भी थी वीडियो, तो उसके ऊपर उनका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया है ड्रग से, तो वो ड्रग एडिक्ट नहीं है। पंजाबी जो है उसको सेकंड रैंक दिया गया है कनाडा के अंदर बोले जाने वाली मोस्ट जो नॉन ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं बोले जाने में, उसमें दूसरे पहले नंबर पे मैंडरीन है यानी चाइनीज़, और दूसरे नंबर पे पंजाबी है, ठीक है, चाइना की नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज में। साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट जो हैं उन्होंने ड्रिल्स स्टार्ट कर दी हैं, और उन ड्रिल्स का नाम ये पहले भी हो चुका है, ठीक है, उल्कनी फ्रीडम शील्ड्स, ठीक है, ये उनका नाम है कुछ उल्कनी या अल्कनी, ठीक है, और ये वही बात जो हुआ था। इसमें प्रेसिडेंट का नाम याद रखिए, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम है यून सुक यू, ठीक है, ये उनका नाम है। एरिक जोसेफ हॉलकॉम्ब हैं अमेरिका के पॉलिटिशियन, ये 51st गवर्नर हैं इंडियाना स्टेट के, ठीक है, इन्होंने भी दौरा किया है ताइवान का, तो ये भाई साहब भी खबरों में आए हुए थे, एरिक जोसेफ हॉलकॉम्ब 51st गवर्नर हैं इंडियाना के, ठीक है, इंडियाना स्टेट के, एक वो यूनाइटेड स्टेट की हाउस स्पीकर ने दौरा किया और एक इंडिया। 22 अगस्त को स्टेट ऑफ कतर ने पाकिस्तान आर्मी का के ज़िम्मे ये लगाया है कि वो जो 21 नवंबर और 18 दिसंबर के दरमियान में जो फीफा वर्ल्ड कप होना है तो उसमें पाकिस्तान की जो फोर्स है वो भी सिक्योरिटी अंजाम देगी। डेविन ब्रावो जो हैं इन्होंने 600 विकेट्स ले लिए हैं T20 के अंदर, इससे पहले जो पोलार्ड हैं उन्होंने 600 मैचेस खेलने का रिकॉर्ड बनाया था, और इन हज़रत ने 600 विकेट्स लेने का जो है वो एजाज़ ले लिया है। ये बात कर रहा हूँ T20 क्रिकेट की, जिसमें सारी लीग्स वगैरह भी आ जाती हैं, ना कि इंटरनेशनल T20 की बात कर रहा हूँ। नैया नूर पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत गुलुकारा, उनका 20 अगस्त को इंतकाल हो गया, 71 साल की उम्र में कराची में उन्होंने वफात पाई। इसराइल और तुर्की जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपने डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं उसको ज़्यादा बेहतर करेंगे, और इसके ऊपर उनकी बातचीत हुई है, और इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है इसराइल प्राइम मिनिस्टर येर लैपिड, ठीक है, ये उनका नाम है, नफ्ताली अब नहीं है, ये हैं, ठीक है। रशियन ने जो है वो अपना स्पेस स्टेशन बनाने का जो है वो सोच लिया है, क्योंकि उन्होंने अबैंडन कर दिया कि 2024 में हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो छोड़ देंगे, तो अब रशिया जो है वो अपना स्पेस स्टेशन बनाने की सोच रहा है। 2022 इस्लामिक सॉलिडेटरी गेम्स जो हैं वो हुई थी इस बार तुर्की के शहर कूनिया के अंदर, और इस ये पहली दफ़ा ऐसा है कि तुर्की ने ऐसा ओलंपिक कमेटी ने ऐसा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया है, और ये किसके अंडर होती हैं, इस्लामिक सॉलिडेटरी स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंडर, जो कि किसके अंदर आता है, इस्लामिक OIC के अंडर आता है, ठीक है। तालिबान जो है वो 15 अगस्त को उन्होंने अपना विक्ट्री डे ऑफ विक्ट्री मनाया है अमेरिका से नजात का, ठीक है, और राकेश जुंजलियावा वाला हैं ये इनके बहुत ज़्यादा मिलियनर्स थे, इनकी डेथ हो गई है, वन ऑफ द मिलियनर थे ये इंडिया के, और इसको वैरन बफेट ऑफ इंडिया भी कहते थे, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो राकेश जुंजलियावाला ऐसा कुछ नाम है। शिरोज काशिफ जो हैं इन्होंने 10 अपनी जो 8000 से ऊंची 14 पहाड़ियां हैं उसमें से 10 जो हैं ये क्रॉस कर ली हैं, और ये यंगेस्ट माउंटेनियर हैं पूरी दुनिया में, इनसे कम उम्र कोई नहीं है जिसने ये कारनामा किया हो। इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, और इस बार जो है वो इनका जो थीम था वो था इंटर जनरेशनल सॉलिडेटरी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, ठीक है। शेख रनीमुल्ला हक्कानी जो हैं इनको किल कर दिया गया है बॉम्बिंग अटैक के अंदर काबुल के अंदर, ठीक है। वॉलमार्ट जो है इस वक्त नंबर 1 कंपनी है, पहले अमेज़ॉन थी, इस टाइम जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के मुताबिक इस टाइम जो पहले नंबर पे है वो वॉलमार्ट है, इससे पहले 9 साल तक जो टॉप करती रही है 9 ईयर्स तक वो अमेज़ॉन टॉप पे रही है, हाईएस्ट पे रही है, इस बार वॉलमार्ट उससे क्रॉस कर गया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास है वो इस बार समरकंद में होगा, और इससे पहले जो है वो ताजिकिस्तान दोशंबे में, ठीक है, तो इस बार जो 15-16 सितंबर में होगा वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो समरकंद उज़्बेकिस्तान में होगा, बल्कि हो भी गया, शहबाज शरीफ हुए हैं उधर से। साइंटिस्ट एट हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी HCST, उन्होंने ये कहा है
कि हम ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ऐसी हो यूज़ की जाए जो कि हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर काम करे। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो हैं वो उसके ऊपर ये काम कर रही है, ताकि वो मैंने ट्रेन की बात की थी जर्मनी वाले, वो भी उससे आगे वो ट्रेन बना रहे हैं। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ जापान, यूनाइटेड स्टेट और जापान के बीच में इंटरनेशनल जो है वो मुआहदा हुआ है कि वो सेमी कंडक्टर रिसर्च हब जो है वो इकट्ठी बनाएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, और ये नेक्स्ट जनरेशन सेमी कंडक्टर होगा, टेक्नोलॉजी के अंदर इनका होगा। इंडियाना जो है वो पहला ऐसा यूएस का स्टेट है जिसने अबॉर्शन बैन हुआ वहाँ पर, और वहाँ पर अबॉर्शन बैन हो गया, ठीक है। साउथ कोरिया जो है इसने अपना पहला ल्यूनर ऑर्बिटर लॉन्च किया है, उसका नाम है स्पेस एक्स। एमन अलजवारी जो है वो अलकायदा के लीडर हैं, उनका यूएस ड्रोन में डेथ हो गई है। करंट हिजरी जो इस वक्त है वो 1444 है। जो सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ गेम्स में अवार्ड जीते हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, कितने गोल्ड, 67, और टोटल भी 178 के साथ फर्स्ट नंबर पर। इंग्लैंड सेकंड, कनाडा थर्ड, इंडिया फोर्थ, न्यूजीलैंड फिफ्थ, और पाकिस्तान 18th नंबर पर पाकिस्तान है, ठीक है। इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया की स्विमर हैं, इनका नाम है एमा मैकन। इन्होंने जो है वो 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और ये 8 मेडल बनते हैं टोटल, तो ये 8 मेडल इन्होंने अपने नाम किए हैं। रियल मैड्रिड जो हैं उसने हरा दिया है फ्रैंकफर्ट को 2-0 से, और यूएफए सुपर कप जो है वो 2022 जीत लिया है। टेनिस की लेजेंड स्टार्स हैं सेरेना विलियम्स, उन्होंने रिटायरमेंट कर दिया, इनका तल्लुक यूनाइटेड स्टेट से था। और रूडी कर्टजन हैं, ठीक है, और इनका तल्लुक जो है किससे था, इनका तल्लुक देख लीजिएगा ये कहाँ से इनका तल्लुक था, ये कार क्रैश के अंदर इनकी डेथ हो गई है। रूडी कॉर्डिकर्जन है और ये कार क्रैश में इनकी डेथ हो गई है, एम्पायर थे, ठीक है। इनका तल्लुक देख लीजिएगा कहाँ से था, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका से था, फिर भी इसको कंफर्म कर लीजिएगा। चेस ओलंपियड जो 2026 है वो उज़्बेकिस्तान में होगा, इस बार जो है वो इंडिया में हुआ है 2022 में, अगला जो है वो 2026 में जो है वो उज़्बेकिस्तान में होगा। वुमेंस आईपीएल जो है वो पहली दफ़ा 2023 में स्टार्ट किया जा रहा है, वुमेंस आईपीएल, यानी पहले आईपीएल थी, अब वुमेंस आईपीएल भी आ गई है। बांग्लादेश आर्किटेक्ट है मरीना, इनका नाम है, ये पहली साउथ एशिया की खातून है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, जिसका नाम है लिस्बन ट्रेनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये बांग्लादेश की खातून है, मरीना आर्किटेक्ट हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन, कोविड बूस्टर वैक्सीनेशन जो है वो यूनाइटेड किंगडम ने अप्रूव कर दिया है। ग्रीस ने जो है वो यूरोपियन यूनियन स्क्रूटनी जो है उसको 12 साल के बाद छोड़ दिया है। बांग्लादेश की फहमीदा आजीम हैं, इन्होंने ही पुलिटजर प्राइज अवार्ड 2022 जीता है, ये देख लीजिएगा, ये बेसिकली मेरे ख्याल से लिटरेचर का कोई अवार्ड है। बिल पास्ट हुआ है सोलोमन आइलैंड्स ने, और उन्होंने कहा है कि हम किसी भी नेवी वेजल्स को जो है वो अपने साइड से गुजरने नहीं देंगी, ठीक है, और ये यूनाइटेड स्टेट और यूके शिप्स को इन्होंने रोक दिया है। फिलिपाइन के अंदर ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया, उसका नाम है माओन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो वर्ल्ड वाटर वीक 2022 था, ये 23 अगस्त से 1 सितंबर में इसका समिट भी हुआ है, और ये स्टॉकहोम ने इसको ऑनलाइन जो है वो करवाया है, और इस बार थीम था सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। इसी तरह साउथ कोरिया जो है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया लोवेस्ट फर्टिलिटी का, इसकी पहली भी बात हो चुकी है। 77th सेशन जो है यूनाइटेड जनरल असेंबली का 20 सितंबर से उसका आगाज होगा। श्रीलंका और IMF जो है उसने अपनी जो बातचीत है उसको स्टार्ट की, और उसके ऊपर श्रीलंका ने 2.9 बिलियन लोन जो है वो डॉलर का दिए दिया है श्रीलंका को। गिब्राल्टर एक स्टेट थी, उसको एज अ ब्रिटिश सिटी जो है वो रिकॉग्नाइज कर लिया आफ्टर 180 ईयर्स, ठीक है, तो ये 180 ईयर्स के बाद उसको रिकॉग्नाइज किया गया एज अ सिटी। और यूक्रेन ने अपना जो है वो इंडिपेंडेंस डे मनाया 24 अगस्त को, और ये 24 अगस्त को इस तरह वार स्टार्ट हुए 6 मंथ हो जाते हैं, क्योंकि वार स्टार्ट हुई थी 24 फरवरी को, तो ठीक 6 माह बाद उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया, और पूरे जोश और जज्बे से मनाया है ताकि रशिया वालों को जो है वो समझ आए। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट 2020 जो है वो पास हुआ है, और ये किसने पास किया है, USA ने पास किया है, अमेरिका ने। ये कुछ डेज़ हैं इम्पॉर्टेंट जो अगस्त में मनाए जाते हैं। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ये पूरा वीक है, 1st से 7th अगस्त तक मनाया जाए। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स, ये 9th अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये 19th अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर कमेमोरेटिंग
विक्टम्स ऑफ एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ्स। तो रिलीजन और बिलीफ्स के बुनियाद पर जिन लोगों के साथ जो है वो ज्यादतियाँ होती हैं उसका डे मनाया जाता है। इसी तरह इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टम ऑफ टेररिज्म, इसका 21 अगस्त है, ठीक है। इसी तरह 23 अगस्त को जो है वो स्लेव ट्रेड और जो अबोलिशन है उसके ऊपर डे मनाया जाता है। फिर न्यूक्लियर टेस्ट का इंटरनेशनल डे जो है उसके खिलाफ का ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, इनका 31 अगस्त को मनाया जाता है। ये इतने डेज इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है सिवाय एक ये जो न्यूक्लियर टेस्ट वाला है इसके, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब जल्दी से हम एग्जांपल क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट में किया था उसके आंसर देख लेते हैं। तो करंट हिजरी 1444 है। करंट जो गोल्ड क्वाइन जिसने कंट्री ने अभी स्टार्ट किया वो जिम्बाब्वे है। इसी तरह सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ में जो गोल्ड मेडल जीते हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। और जो टॉपर है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट वो वॉलमार्ट है। और नैन्सी पेलोसी जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट की हाउस स्पीकर हैं, उन्होंने भी विजिट किया ताइवान का। सीना विलियम्स जो हैं वो टेनिस की प्लेयर हैं और वो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उनका ताल्लुक है। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द डिटेल, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, एपिसोड 24/5 आपको मिलेगी यहाँ पर। तमाम करंट अफेयर के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। वीडियो देखने का शुक्रिया। दैट इज़ अल्लाह हाफ़िज़।